अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस 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 बस, बस रोक दीजिए, ये लीजिए, थैंक यू। सेवन रोड तो यही है, सनी ने बोला था वो लोग यही आने वाले हैं, पर कहीं दिखाई तो दे नहीं रहे। एक काम करती हूँ, मैं शौर्य के फोन पे कॉल करती हूँ। हाँ शनन, बोलो। सनी तुम लोग कहाँ हो? अरे हाँ, दिख गई। हाँ हाँ, प्लीज कम, मैं देख पा रही हूँ तुम लोगों को। मतलब नहीं मानेगा ना तू? शनाया, बिफोर यू से एनीथिंग, अगर तुम कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती हो ना, तो मेरी गाड़ी में बिल्कुल मत बैठना। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग रहेगी। शौर्य, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? सिर्फ ये पूछने आई थी। एनीवे, जस्ट लेट इट बी, जस्ट फॉरगेट इट। सनी, जस्ट गेट डाउन। क्या गेट डाउन? तू उसका दोस्त है, उसके साथ आया था। सनी, तू नीचे क्या उतर रहा है? व्हाट? मैंने बोला तुझे गेट डाउन। थैंक यू शनाया, मैं अभी भी कह रहा हूँ, डू नॉट डू दिस। मेरी गाड़ी से उतर जाओ एंड गो होम, यू विल बी सेफर देन दिस। आई डोंट केयर। अच्छा, तो ये बात है। शौर्य, जस्ट ड्राइव स्लो। गाड़ी धीरे चलाओ। नहीं चलाऊंगा, बोला था ना तुमको। शौर्य, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, वार्निंग, यू जस्ट ड्राइव स्लो। वार्निंग मैंने भी दी थी शनाया, बोला था तुमसे कि मेरी गाड़ी में मत बैठो, फिर भी तुम बैठी ना, अब भुगतो। ओके ग्रेट, मत चलाओ स्लो। मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे डैड को कॉल करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। थैंक गॉड ये जेट ट्रेन रुक गई, वरना आज तो सीधा तुम लोगों को बाद में दिखूंगा मैं। Lost. ये कहाँ गया? अभी तो नहीं था। वैनिश कैसे हो गया? नहीं, नहीं यहाँ नहीं है। जिसे नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ जिसकी क्यों नहीं रुका। आई विल किल हिम टुडे। शौर्य, ये तुम अपने आप से मनी मन क्या बातें कर रहे हो? हाँ बस, जस्ट शट अप, डोंट इंटरफेयर। आई विल किल यू राजवीर। शौर्य, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? शौर्य, ये क्या कर रहे हो? फंस जाएंगे यार हम। सीरियसली, जिस बात का डर था तुमने वही किया, तुमने गरीबों की कार डिस्ट्रॉय कर दी। ओए दिखता नहीं है क्या? अरे ये रईस क्या अपने आप को समझते क्या? ओ गॉड, वो लोग बहुत अग्रेसिव है। तुम जल्दी से काम करो, तुम ना मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, नहीं तो तुमको पता चलेगा कि तुम ड्राइव कर रहे थे। जस्ट कम हियर। नो नो नो, जस्ट कीप गोइंग। जस्ट शट अप यू गाइस, कुछ नहीं होगा। सॉरी। ए
मारो, पकड़ो इसे, मारो। What side people? मारो। पकड़ो इसको, पकड़ो। मारो। किसने बोला तुम लोगों के यहाँ सोने के लिए? हाँ, किसने बोला? ये सोने की जगह है, ये गाड़ी चलाने की जगह है, दिखता नहीं है तुम लोग को? ये इसी गाड़ी से निकला है, इसको मारो। इसने हम सबका घर तोड़ दिया, हम सबको रोड पे लाके रख दिया, रोड पे लाके रख दिया, रहते ही रोड पे हो ना तुम लोग? किसने कहा तुम लोग को रोड पे रहने के लिए? किसने कहा? अधिकार है तुम लोग के पास, एक फोन करूंगा ना, उठा के फेंक देंगे तुम लोग को इधर से। जस्ट गेट लॉस्ट। ये मत बोल। ए रोक, मारो मत। ठीक है, प्लीज झगड़ा मत करो, ओके? क्या आप लोग बोल रहे हो? मारो। सही तो बोल रहा है ना वो, आप लोगों ने जो रोड साइड पे टेंट बना रखा है, आप लोगों के पास कोई गवर्नमेंट लेटर, कोई लाइसेंस है आप लोगों के पास? नहीं है ना? हम लोग यहाँ से 10 साल से रह रहे हैं। हाँ तो जहाँ 10 साल से रहते हम लोग, वो हमारा घर थोड़ी ना हो जाता है? मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा परमिशन तो नहीं दिया है ना आप लोगों को कि आप रोड साइड पे से टेंट लगा के रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना आप लोग? ये किसने बोला कि गाड़ी गरीबों के घर पे चढ़ा दो, घर तोड़ दो? तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? पैसा है, गाड़ी है तो हमारे गरीबों के जान पे आओगे क्या? हाँ तो किसने बोला आप लोगों को? आप लोगों को पता है ना कि जान जा सकती है रोड पर, तो क्यों बैठे आप लोग रोड पर ऐसे? जब आपको नहीं बैठना चाहिए ना रोड पर फिर। अरे स्टॉप टॉकिंग टू देम। तुम लोग कौन? Why the hell are you guys on the road? You're not supposed to be on the road. एक सेकंड में तुम उठा के फेंकवा दूंगा मैं। अभी रुको, मैं फोन करता हूँ मेरे डैड को। एक तो हमारा घर तोड़ा, ऊपर से शान पत्ती दिखा रहा है, हीरो बन रहा है। अरे तो चुप कर, आज इसको मैं मजा चखा के रहूंगा। रुको, आप लोग झगड़ा मत करो। I'm so sorry, ऐसी गलती वापस नहीं होगी, ठीक है? प्लीज काम डाउन, प्लीज। गलती सॉरी, तू गाड़ी में बैठ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, ठीक है? प्लीज। अरे क्या दोबारा नहीं होगी? क्या दोबारा नहीं होगी? तुम लोग मुझे दोबारा रोड पे दिखोगे ना, तुम लोगों के ऊपर से गाड़ी लेके चला जाऊंगा। अरे मैं कब से सोच रही थी आप लोगों को एक बात बतानी थी, पता नहीं कैसे भूल गई। अरे एक काम कीजिए, आप पहले ना यहाँ पर बैठिए, आइए, उसके बाद में बताइए। बैठी, आराम से। अब बताओ क्या बोल रहे थे आप? क्या भूल गई आप बताना? एक्चुअली आई एम सॉरी, शायद आप लोग कुछ अर्जेंट बात कर रहे थे और बिना नॉक किए हुए मैं अंदर आ गई, आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आपके कॉन्वर्सेशन को डिस्टर्ब किया। नहीं बहन, छोड़ो बहन, तुम बताओ। रीना दी, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बातें नहीं कर रहे थे, बस बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आप बताइए ना क्या बात है? मेरी पंडित जी से बात हुई, मैंने उनसे कहा कि मैं कल इस घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाना चाहती हूँ, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, इसीलिए यही बात मुझे बतानी थी और बताना भूल गई। आई एम सो सॉरी। अभी बता तो दिया आपने और अब तो रात है और पूजा आपने कही कि कल है, तो बहुत वक्त है हमारे पास तैयारी करने के लिए। और सच कहूँ तो आपने बहुत अच्छा किया सत्यनारायण पूजा रखवा के। सत्यनारायण की पूजा रखने से घर में सुख समृद्धि शांति मिलती। बहन इतना बढ़िया काम किया ना, घर में पूजा पाठ होता रहे ना तो घर का माहौल बहुत बढ़िया रहता है, बिल्कुल पवित्र रहता है। और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है सब पे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, शायद आप लोग कुछ अर्जेंट बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। अरे नहीं। वैसे लेकिन ऑल ओके है ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।